सक्सेस की तीन चार ऐसी चीजें होती है जिसमें जीनियस बंदा हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। पहली हार्डवर्क। हार्डवर्क एक जीनियस कर सकता है और जो जीनियस नहीं वो नहीं कर सकता, ऐसा है। हार्डवर्क तो एक रिक्शा वाला भी बहुत करता है, कोई बड़ी डिग्री इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी हार्डवर्क करता है। तो जरूरी है इसमें जीनियस होने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, जीनियस होने से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, टाइम पंचुअलिटी, कि आपको पंचुअल होना है अपने काम को लेकर, चाहे वो सुबह उठना हो। हम अलार्म्स लगाते हैं, नहीं, जितने बजे उठना है उतने का ही लगाओ। अब फिर ऐसा करो कि 6:30 बजे उठना है, लेकिन अलार्म 6:30 बजे का ही होना चाहिए। भले एक्स्ट्रा आधी घंटे की नींद ले लो, पर जितने बजे का लगाया है उतने बजे ही उठना। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में जितने पंचुअल होंगे आप अपना काम उतने इफेक्टिवली करें। ये बहुत, इसमें जीनियस होने की जरूरत है कि एक जीनियस ही जल्दी उठ सकता है या टाइमली उठ सकता है, और जो जीनियस नहीं है वो उठ नहीं सकता है। इफेक्टिवनेस अपने काम को लेकर, आइडियाज सब बना लेते हैं, कहते हैं इनिशिएटिव तो सब ले लेते हैं, फिनिशिएटिव कोई नहीं कर पाता, या बहुत कम ही होते जो उस काम को फिनिश कर सकते हैं, उतने इफेक्टिवनेस किसी में नहीं होते। तो इफेक्टिवनेस क्या हुआ कि आप कितने एनर्जी से, कितने डेडिकेटेड होकर, कितने डिटरमाइन होकर अपना काम कर रहे हैं। उसमें एक जीनियस बनने की जरूरत है? ये चीजें आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है। और जैसा कोई एक दो चीज अगर आप पढ़ाई में कहे जीनियस होने की, तो अगर मान लीजिए एक जीनियस है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको दिमाग दिया नहीं, हर बंदा जीनियस है, लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा जीनियस है, टैलेंट अगर ऐसा है, तो मान लीजिए उसे एक सब्जेक्ट को अगर 3 बार पढ़ने से वो पूरा हो जाता है, आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके लेवल में आने के लिए आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपने 9 बार पढ़ लिया, तो अब जीनियस कौन है? हार्डवर्क टैलेंट को भी मात देता है। कहते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। टैलेंट सिर्फ मिलना ही जरूरी नहीं है, तो आपको हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क में उतनी शक्ति